यहाँ पे जो है सबा के न्यू हाउस बन रहे हैं, न्यू घर बन रहे हैं, माशाल्लाह न्यू सोसाइटी बन रही है जी। ख्याल से कहीं कपड़े ना गंदे हो जाए सबा। हम इनके ये टोटल दीवार तो खड़ी हुई है ना, ये देखो आपने यहाँ तक जो ये दी है ना, ये गलत दी है, ये नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे तो भर्ती डाल जाएगी। वो वाला देखो, वो है किच, ओ सॉरी वो तो खोता है, ये हाँ ये किचन हो गया। ठीक जी भाई, दावत का कहा हम आ गए, हमने कहा शायद रेडी हो गई होगी। क्या हालत की हुई है, इधर पहुंचे हैं कोई हालत नहीं है ना मुखलिस भाई की, ना भाभी की, ना बच्चों की, ना अगर अंडे महंगे ना होते ना तो ये मैं मुर्गियां ना खरीदता। अभी जो है मैं मुर्गियां लेने आया हूँ जी, माशाल्लाह देसी मुर्गियां अंडे भी दे रही हैं, तो ये अभी देखने आया हूँ भाई के पास, उसके फार्म हाउस पे पहुंचा हुआ हूँ, जानवर भी खड़े हुए हैं और ये चिकन मुर्गियां देसी जो है ना, ये अब इनका सौदा बन रहा है। इंशाल्लाह दुआ करें कि ये सारी मुर्गियां जो है ना मैं खरीद लूँ, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह डेली के जो है ना हमारे अंडे वो हम खाते रहेंगे, बच्चे वगैरह भी खाते रहेंगे। आपको पता है सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह ताला अभी इनको खरीदते हैं, भाई से फाइनल करते हैं और गाड़ी की डिग्गी में इनको डालते हैं और लेके चलते हैं अपने घर। प्यारी प्यारी है माशाल्लाह, ये वाला मुर्गा है, बाकी जो है सारी मुर्गियां हैं। अकरम भाई ठीक है? हाँ ठीक है, तैयार है, अंडे दे रही होंगी। सही है। अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं अपने घर और अभी जो है मैं इसको आराम से खोलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ माशाल्लाह जी जबरदस्त। सबा बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आपकी अंडे देने वाली मुर्गियां आ चुकी हैं सबा। गुस्सा करना सही लगता है ये ना। ये ना राजी नहीं है मुर्गियां आने से ना। चलो कोई बात नहीं, जब अंडे ये कहेगी ना मुझे अंडा खाना है, फिर जो है ना इसको अंडा नहीं देंगे। ठीक हो गया जी, आप सबके सामने कह रहा हूँ। इसने मुबारक ही नहीं ली यार। प्यारे बहन भाइयों, अभी आपने मुझे बताना है आज मैं इस लुक में कैसा लग रहा हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा हूँ, क्योंकि सारे कह रहे हैं, टोटल फैमिली कह रही है कि अहमद भाई आज आप बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह पाक नजरे बात से बचाया जी। आप सब ने भी यही कमेंट में लिख रहा है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्योंकि फिर बेइज्जती हो जाती है जब कोई लिख देता है कि आप कार्टून लग रहे हो, कोई कहता है आप फिश के मुंह की तरह लग रहे हो, कोई कहता है कि आप जो है ना वो नवलू की शक्ल हो, कोई इस तरह मतलब लिख देते हैं। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, गुनाह होता है। चाहे कोई अच्छा हो या बुरा हो, आप उसे अच्छा लिखा करें, क्योंकि कॉमेंट से ना बंदे का दिल खुश हो जाता है। तो ये पीछे की लुक है मेरी और ये इधर पासे की लुक है, ये आगे की लुक है, ये फिर इस साइड की लुक है। तो उम्मीद है बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा हूँ। ओके हो गया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। आ जाएं जी, टाइम हो गया है, 8 मिनट बाकी। जी बस मैं अभी वजू बना रहा था बस। आ जाएं, आ जाएं। आप घर चलो, उधर पकोड़े बनाए हुए हैं भाई। पकोड़े भाई इतने प्यारे लग रहे हो यार, जफी डालो जफी। ठीक है, जाल को कह देना थोड़े से। हाँ बहुत सारे, आप ही चलना फिर, पकोड़े बने हुए हैं। ठीक हो गया भाई, आ रहे हैं। इस वाली वीडियो पे मैं महसूस कर रहा हूँ कि कमेंट्स आएंगे कि अहमद भाई ये जो आप मुर्गियाँ लेके आए हैं, देसी मुर्गियाँ हैं माशाल्लाह, इनके अंडे भी बहुत जबरदस्त होते हैं, या कोई मेहमान वगैरह आ जाता है उसको एक बंदा देसी मुर्गी को जिबा करके उसको खिला देता है, तो ये जो है 10 मुर्गियाँ, ये 9 मुर्गियाँ, एक जो हमें मुर्गा है, ये आप कितने की लेके आए हो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये है टोटल 10 पीस, एक मुर्गा है और 9 मुर्गियाँ है। बस मेरा दोस्त था, बस रियायत करके लेके आया हूँ मैं। ये टोटल 10 पीस लेके आया हूँ, 10,000 रुपए के, मतलब 1,000 रुपए का एक पीस पड़ गया मुझे। लेकिन अगर ये एक महीना भी अंडा दे दे तो सारे पैसे से वाले बाहर है, क्योंकि 40 से 50 रुपए का एक अंडा मिल रहा है आपको पता है, और वो भी फार्म ही। लेकिन ये देसी अंडे होंगे ना, बहुत ज्यादा इनके अंदर हीटिंग होती है, एक अंडा बंदा खा ले ना सारी रात उसको सर्दी नहीं लगती। अकरम भाई, अकरम भाई,
अकरम भाई, अकरम अकरम भाई, अकरम अकरम अकरम, पहले की तरह करो यार अकरम, दिमाग खाओ सबा सबा सबा, बात सुन को सबा सबा, मेरी रानी इधर तो घर में है ही नहीं। ओए ये क्या हो रहा है? खैर है, सब बच्चे इधर इकट्ठे हुए हुए हैं, आराम से तरतीब से लाइन में बैठो बेटा, लगता है कोई मड्डी आने वाली है। आए माशाल्लाह माशाल्लाह सबा, यकीन कर, तू पूछती थी ना मैं कैसी लगती हूँ, तो यकीन कर माशाल्लाह इस शूज में, इन कपड़ों में माशाल्लाह इतनी ज्यादा प्यारी लग रही हो ना, जिसकी कोई भी इंतहा नहीं है। मेरी शादी को 7 साल हो गए, इतनी प्यारी नहीं लगी जितनी आज लग रही हो, कसम से। बस ये चेहरा देखो कितनी प्यारा माशाल्लाह। अच्छा यकीन, एक चीज और बताऊं सबा, ये जो तेरे हाथ में ये है ना कंगन, यकीन कर इतने प्यारे लग रहे हैं बहुत ज्यादा। ये दूसरा हाथ दिखाना, आए ये हाथ हाथ इस पे देखो अंगूठी, आए ये आखिरी है सबा, आखिरी हो तो बस। यकीन कर बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, यकीन कर। हाय हाय मैं सदके थी वहां, बहुत जबरदस्त लग रही हो माशाल्लाह से। थोड़े से पकोड़े देना सबा मुझे। हाँ असल बात है, वो बता रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से। और ये ले चलो उधर, शुरू करते हैं, खाते हैं। शुक्रान हबीबी, खैर है मयोदिन भाई, पकोड़े बना के बांट रहे आज। बच्चों की फरमाइश थी तो पूरी कर दी। अच्छा हाँ बच्चों, पकोड़े खाने हैं। उई हसन सो गया, हसन भी पकोड़े खाता। गर्म होते हैं बच्चों को जो है ना, जुलाब लग जाते हैं, इसलिए सबको खिला रहे हो। वो तो बता ना। ओ आवाजें लगा लगा के मैं थक गया था सब। आपको क्या हो गया, क्या हो गया, इतना ढूंढा। ओ तेरी खैर, ये सूट चेक करें आप, बस सूट चेक करें सर, बूट बाद में दिखाऊंगा, पहले सूट चेक करें, उसके बाद फिर किन्नू वाला बूट चेक करवाऊंगा आपको। ये देखें यार, आपने पूछा है कि क्या ढूंढ रही हो? मैं पूछू ना पूछू, मेरे पूछने से क्या होगा। क्या ढूंढ रही है सबा? यार रात से चश्मा गुम हो गया। उई होई 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 होई, फिर ये किन्नू नजर आ गए? चश्मा खाने वाली चीज है ना, ये तो नजर आएगी। तेरा मैं लतरेशन तेरी वो करे सा ना। अच्छा मैं बताऊं, कल वाले कह रहे हो ना, जो कल मंगवाए थे, एक किलो खाया था, फिर मुखलिस भाई अम्मी जान ये आ गए थे, एक एक उठा लिया सब ने, फिर एक किलो मैंने खाया था। अच्छा खाया था ना, एक खाया था ना, अभी ये 6 लेके जा रही हो, ये कौन खाएगा? आप और मैं। मैं तो नहीं खाऊंगा अभी, मैं एक या दो खा लेती, बाकी रख दूंगी रात को, एंजॉयमेंट कर लूंगी बस। वो नमक रखा है वो काले वाला, बेहतरीन वाला वो, आपने तो नहीं खाना ना? नहीं, जब मैं खाऊंगा वो नमक मेरे लिए बचाना, बस ये कह रहा हूँ। कल वो अमरूद वाला आया हुआ था, मैंने उससे मंगवाया था, जो पहले वाला था 1.5 किलो, खा गई नमक? 1.5 किलो नहीं, नमक खाती हो, माल्टे खाती हो तुम? नमक खाती हूँ। बड़ी कोई बला ही रन ने, मेरे घर सब्बा नहीं वधी, 1.5 किला पटाई वधी है। क्या दियो?
ऐसे ना इसको ना छेवड़िया नजर आएंगी ना प्लेट, ये ऐनक पहन ले बेटा, फिर इसको सारी चीजें नजर आ जाएंगी, फिर आपको ढूंढ के दे देंगी। हम ना आपको दे जाते हैं ढूंढ के, ठीक है? हाँ आप जा सकती हो बेटा, सोनी लग रही हो माशाल्लाह। ये घर जाके बताएंगे कि अहमद भाई ने ये कहा है, अहमद चाचू ने, कि हम सोनिया लग रही हैं। सब्बा ये रात वाले चावल रखे हुए हैं, सुबह बेबो खा रहा था, फिर मेरे कहने लगे यहाँ पे सेंके करके रख दिए। बस यही है तुम्हारी गाल है सिर्फ। यार सुबह से लेके गया उस घर में, अभी वापस आई हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है इसमें बताओ? आप सिर्फ बातें कर, मेरे लिए मैं भूखा होता हूँ, मुझे नहीं देती है चावल। तो हमने कहा था भूखे रहो। अब देखो 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 छुपाने की जगह देखो, उस साइड पे सोती है ना। अब ये इस अलमारी में भी रख सकती थी ना, जिस साइड पे मैं सोता हूँ। किधर नीचे? ये बेड के नीचे हो सकती है, हसन जानी ने गिरा दी हो। नीचे देखो यार, अनक पड़ी है, इधर से अंदर बढ़ जाओ। कुछ नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं। सब एक बात कहूं? कहो। वो ना आज मैं महसूस कर रहा था अपने आप को देख के ना, अच्छा। मैंने कहा ये जो मेरी टोटल फैमिली है ना, अच्छा। इन सब में माशाल्लाह मैं प्यारा हूँ। जो मायोदीन कह रहा है वो जो आपके अम्मी अबू के घर से साग आया है ना, वो पिन्नी साग की पिन्नी, वो पिन्नी जो है ना हमारा हिसाब में दे दो, हमने पकाना है। आज हम तो खाना नहीं बना रहे क्योंकि अकरम भाई, मुखलिस भाई और असलम भाई वालों की दावत है आज। किसने कहा? मैं कह रहा हूँ ना, जाके पता करते हैं पकाया क्या है। तीनों की दावत है आज, एक एक रोटी सबके घरों से खाएंगे, ठीक हो गया? ठीक है। हाँ ना हमारे घर में लकड़ है, ना हमारे घर में कोई पकाने की चीज है, इसलिए ना हम सबके घर, बल्कि मायोदीन भाई भी कह रहा था कि अहमद भाई आप बहुत प्यारे हैं, आज मेरे घर से एक दो रोटियां खा जाना, ठीक है? ठीक, मेरी तो गारंटी है, लेकिन आप लोग की कोई नहीं। वो मेरी ऐन लग गई, कहाँ तो नहीं चला गया? कहाँ यार, नहीं कवे की नजर कमजोर थी क्या, वो ले गया। यार आपको पता कितनी ये वो है, ले जाते हैं कुछ भी रखो। चलो अच्छा सबा, मैंने एक चीज और नोट की है, पता है क्या? ये ना मैं जब खुद सूट लेके आता हूँ, वो वाले इतने प्यारे नहीं लगते, लेकिन जो सूट के कोई मुझे गिफ्ट कर दे वो ज़्यादा प्यारा लगता है। ये सूट मेरे ख्याल में ये किसी ने गिफ्ट किया है, मुझे ये याद नहीं है। किसने गिफ्ट किया है? मुझे याद नहीं है सबा। ये सबा ने गिफ्ट किया था आपको? आपने? आप खुद लेके आई थी मेरे लिए, अहमद के लिए सबा सूट लेके आई थी। तो क्या पहना नहीं सकती वो? क्या पहले भी दो तीन दफा लेके दिया था जब इस घर में थे, याद करो। पैसे किसके थे? ये भी तो यार गिफ्ट वो होता है जो पैसे किसी और के लगे, ये आपने गिफ्ट कर दिया, ठीक है। मैं बता देती हूँ, पैसे मेरे अपने थे। अच्छा हाँ, वो कहाँ से? वो जो आप मुझे शायद के पैसे देते थे ना जी, वो मैं लुका के रखती गई। लुका के रखती गई जी, ठीक है। फिर सूट ले आई, मैंने कहा जब बर्थडे आओगी इसकी तो मैं गिफ्ट करूंगी। अच्छा, फिर वो निकाह गया मुंशी का, जब मेरी बर्थडे होगी गिफ्ट करूंगी। यार अल्लाह तो तमीर शहूर था। यार क्या क्या, मैंने कहा जब आपकी बर्थडे होगी तो मैं आपको गिफ्ट करूंगी। अच्छा, फिर निकाह गया मुंशी का, सॉरी नंबरदार का, फिर मैंने आपको दे दिया वापसी बस। अच्छा, आप कभी ऐसे लेके आए हो मेरे लिए गिफ्ट? इससे याद है जब न्यू शादी हुई थी सबा, यहाँ पे ब्रेक लगा, एक मिनट मेरी बात सुन, यहाँ पे ब्रेक लगा। आप जब शहर में जाती हो, आप लेती हो एक सूट, पसंद करती हो, तो अहमद क्या कहता है? सबा ये दूसरा सूट जो है ना मेरी तरफ से, ये उठा लो। जब भी आप एक सूट लेने गई हो ना, दो लेके आई हो, बल्कि तीन लेके आई हो, मानती हो ये बात? ये मानती हूँ, नहीं ऐसे जैसे मैं कल ही लेके आई हूँ, ऐसे लेके आई हो। एक तो याद है जब न्यू शादी हुई थी, करीब साल भी नहीं हुआ था, 6-7 महीने हुए थे, पर्स लेके आए थे, वो भी रोल गया था। तो यार उस टाइम आप जब न्यू आई थी, उस टाइम प्यारी भी ज्यादा थी ना। ऐसे थोड़ी मैं इसके लिए पर्स लेके आया था, बहुत ज्यादा इज्जत करती थी मेरी, प्यार मोहब्बत थी, न्यू शादी थी, फिर कहते हैं ना नवी दे नऊ जा रहे, तो यार कोई नहीं, अब भी मैं अपना हाथ पूरा ले लेती।
माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको सब कुछ दिया है सबा, ना शुक्री ना बना कर। मैंने क्या कहा? डेढ़ी पतीली असा ना भी खड़े रहा सो, एक गैन भाभी खड़ी है सभी लोग खड़े बड़े नू, एक गैन भाभी को ना ये डाल दो, ये ना एक कटोरी जितना डाल देना। हाँ वो कौन सा बोलने वाली है? चोखा डालते हैं ना थोड़ा सा, हम भी ले लेंगे खाने के लिए। और यार हमारी तो दावत है चार बंदू के। हाँ अच्छा। मेरे चार भाइयों की दावत है आज। अच्छा। हाँ इसमें आलू भी डले हुए हैं सबा। देख दे रहे। आलू है वो देख। आलू नहीं है। हाँ ये है गोभी। अच्छा मूली, मूली मूली डली हुई है। अच्छा माशाल्लाह, चलो डाल दो डाल दो, जितना भी लेते हैं ना डाल दो। यार इनमें थोड़ी बंदा है। एक दो मैं दिखा के मैंने खाई है, एक डली मैंने खाई है बकाया है। शुक्रिया शुक्रान शुक्रान यल्ला हबीबी सबा। माशाल्लाह पहले भी आप ऐसे प्यारी थी सबा, आप पहले तो इतनी कम थी लेकिन आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, क्योंकि आपने मुझे वो खवाए हैं, क्या कहते हैं सबा वो, यार वो नहीं नाम ले ले, पकौड़े पकौड़े की बात दे दिया माल्टा। शुक्रान सबा, बहुत बहुत मुबारक हो आपके घर में, ये देखें माशाल्लाह रौनक लग गई है इस घर में मुर्गियों के आने से। मुबारक हो। हैं चलो शुक्र है, मैंने इसको मना लिया जी। ये कहती थी कि ये जो है ना ये सारी जो है ना गंदगी करती है नीचे, तो मैंने कहा यार ये तो हर चीज जो इस दुनिया में आई है वही गंदगी करती है। नहीं ये नहीं कहा, जो बात है सच बताओ। मैंने पूछा कि यहाँ इनको ना कहाँ पे ढक हो गया, जब तक मुझे आगे से जवाब आया मैंने ना आपको दिया मुबारकबाद, आपने मुबारकबाद नहीं आप कह देती ना खैर मुबारक, उसके बाद पूछती खैर मुबारक माशाल्लाह ले आए हो, अच्छा इनकी जगह कहाँ बनाई है, ये होता है हक। मैंने इसको कहा, मैंने कहा सबा बहुत बहुत मुबारक हो, कहती है इसको कहाँ ढकोगे, इसको कहाँ कहाँ बंद करोगे। जो सच बात है वो बताओ, जब पहले पहले यहाँ पे आके खड़े हो बाहर, मैंने कहा इनको कहाँ पे ढकोगे, तो आगे आपने क्या जवाब दिया मुझे? अब जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं जा रही हूँ बस। यार मैं लेके आया हूँ आखिर, उनका इनका इंतजाम किया है तो लेके आया हूँ ना, आज के दिन अकरम भाई के यहाँ ढकेंगे, कल जो है ना इनका खुड्डा बनेगा इस जगह पे, उस जगह से शुरू होगा इस जगह तक, ये हमारा इसका खुड्डा होगा बेहतरीन। सुबह सुबह जब नाश्ता बनाएंगे इनको खोलेंगे, इनको सबसे पहले आप सफाई करोगी, फिर इनको दाने डालोगी, उसके बाद नाश्ता बनाओगी, ठीक हो गया? और सुबह सुबह बात सुन अंडे भी उठाओगी, अच्छा फिर बड़का के खाओगी, आपको आप नहीं मिलेगा बाकी सब खाएंगे इंशाल्लाह। बड़काने वाली तो मैं बड़का के खाती रहूंगी, पता भी नहीं चलेगा बस। चल ड्योल हो, ड्योल 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 अपना काम कर, अकेली खड़ी रहे। हाँ खड़ी रहे, खड़ी रहे अकेली, कोई नहीं जिन पहाड़ों आके इनको ले जाता। ड्योल तू दरवाजा बंद कर दो बस। इस्लामुद्दीन क्या बना रहे हो बेटा? पता नहीं है यार, आज आपके अबू ने दावत दी है तो हम ना जा रहे हैं। नहीं दी सबसे पहले जी हम जा रहे हैं, इधर देखते हैं कि क्या बना हुआ है आज जो है ना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेगा। आ जाओ जी आ जाओ, अकरम भाई ने माशाल्लाह आज यकीन करें दिल खुश हो गया जब अकरम भाई ने कहा कि आज हमारे घर में दावत आपने खानी है, यकीन करें बहुत खुशी हो गई है, यकीन कर जी भाई। आपने तो कहा था जब दोपहर को आए थे, और मैंने टाइम मांगा था कल के लिए भी, कल कैसे फ्रेश बनाओगे? नहीं नहीं आपने कहा था रोटी खाने आना शाम को। मेरी क्या बोलूं आपको, नहीं कहा था आपको मैंने? भाई आपने तो कहा था दोपहर का, अगर दावत मैंने आपको की होती तो इधर कोई चिकन होता, कोई फिश होता, कोई बिरयानी होती है, इससे दाल थोड़ा बनाते हैं। अच्छा अच्छा दाल बनाई है, क्या बना रहा? चलो सारा जवाब है वाला। अच्छा हमारी ना वो उधर भाई के घर दावत है, गलती से आ गए हम इधर, हम ना गलती से आए हैं, वो असल में अकरम भाई ने नहीं असलम भाई ने दावत दी थी जी, सॉरी भाभी वो गलती से आए हैं। आप बेशक और एक जगह और पानी का डाल लो इसके अंदर डालूंगी।
नहीं नहीं वो अकरम भाई से ना वो भूल गए हम, वो असलम भाई की थी। अच्छा जी हाँ जी हम चलते हैं इंशाल्लाह, सब चले वो इनकी दावत नहीं थी। हाँ हाँ अल्लाह पाक खैर करे जी, अल्लाह करे उधर भी सट्टी बेड़ी सुख सी सही था। ये जो पानी इसमें डाला है ना अंदर, ये जब सूखेगा तब भी खाएंगे ना, ऐसे थोड़ी खा लेंगे। चले जी अभी जो है ना माशाल्लाह से इनको मुबारकबाद देनी है जी, माशाल्लाह इन्होंने VIP ग्रिलें लगवा ली है और हर तरफ से लगवा ली है। ये नहीं कि सिर्फ फ्रंट पे सवा लगी है, हर तरफ लगती है लगी है। ये देखें मुखलिस भाई की जैसे लगी हुई है, ये देखो ये देखो साइडों में देखो, ये देखो ये साइडें भी सारी मुकम्मल कवर कर दी है, ग्रिल करके लगा दी है जी। और इस साइड पे भी देख ले, यानी कि घर इन्होंने मुकम्मल सिक्योर कर लिया अपना बेहतरीन तरीके से, सही हो गया। बिल्कुल हाँ जी चलें जी अभी जो है ना ऊपर है, चलें ऊपर चलो ऊपर है। ओए खिड़की पे भी दरवाजा आ गया, क्या ही बात है, सीढ़ी वाला दरवाजा। हाँ हाँ सही है, सही हो गया। चले जी है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह से। दावत का कहा हम आ गए, हमने कहा शायद रेडी हो गई होगी। अच्छा अभी उठे हो ना, जगारा खा गया? अभी नहीं उठा, जुम्मे से पहले उठा था। अच्छा हाँ उस टाइम मेरे ख्याल जुम्मे का टाइम से कम था जब ये भाभी उठी हुई थी ना ऊपर से, तो उस टाइम हाँ हम रेसिपी बना रहे थे, उस टाइम अभी पड़ा हुआ था आधा पौना घंटा। इंशाल्लाह बनाओ, गोभी मेरी फेवरेट है, एक आधी रोटी खा लूंगा आज। हाँ हमें पता है 3-4 घर कितने हैं जो मेरे। क्यों आपको कैसे पता? अच्छा अच्छा ये देखे कढ़ाई और यहाँ से देखे जी माहौल, माशाल्लाह धुंध जो है ना वो है लेकिन माहौल बड़ा प्यारा लगता है माशाल्लाह। ये देखे ये कैसी है, ये वो दूसरी टाइल है, टाइल जो कितरोड़ी जो हमने गेट के आगे लगाई है ना वो वाली, ये एक टाइल है या मुकम्मल ऐसे है? एक एक है, ऐसे लगाई हुई है लाइन में, यानी कि एक एक टाइल है। मैंने कहा शायद ऐसे लंबी पूरी मिलती है। अच्छा अच्छा हम फिर अपनी इस वो वाली उस पे, ये जो हमारी ओरली है ये वाली, इसके ऊपर भी हम इस तरह ना लगवा लें, प्यारी नहीं लगेगी? बहुत प्यारी लगेगी। हाँ फिर कलर का देना ना इसे। हाँ इनके ऊपर पेंट भी हो जाता है बड़ा जबरदस्त है, VIP सबा जबरदस्त। देखो यहाँ पे आया हूँ ना अभी, मुझे पता चला कि ये काम करना चाहिए। अच्छा हाँ चले, कहाँ जा रहे? हम इधर दावत है असगर भाई की। अच्छा हाँ उधर जा रहे हैं, घर में दावत। मैंने बोला था अकरम भाई के आम, मुहिद्दीन के आम, हमारे आम, कैंसिल करवा दिया। अकरम भाई तो हम भूल के गए थे, वो तो अपनी दाल बना रहे हैं, उधर तो कैंसिल हो गई हमारी। हाँ जी अभी ना मुखलिस भाई के घर जाते हैं, उनको कहते हैं, वो कहेंगे असलम भाई उधर दावत थी, हमने कहा वो कैंसिल कर दिया बस आपके यहाँ। किचन तो खाली है कोई भी नहीं, इन्होंने तो लगता है आज पकाया शिकाया भी कुछ नहीं है, नीचे बना रहे हैं आज। चलें फिर नीचे चलते हैं। हाँ सीढ़ी से चलते हैं। सावे सावे। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो जी चलो जी, ये क्या धुले हुए हैं सबा? दरकर खान दस्तर खान
अच्छा धड़खड़ खान, ये देखे जी धड़खड़ खान कितने प्यारे हैं, कितनी प्यारे हैं। आओ जलू लक्कड़ के लिए परेशान है ये लक्कड़। ओए यार इतनी सारी लक्कड़ पड़ी है, चले भाभी की तारीफ करते हैं। चलो 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 इधर से बहुत पड़ी है मतलब। ये देखो जो कितना रखी है, ये सारी जो है ना भाभी वालों की है, मुखलिस वालों की। हाँ, ये सारी जो मारी हुई है ना सपो, ये पावा भी है, ये वाला खटड़ा टूटा पे, ये डॉट हबल सी सपा बहुत चलेगा। आप चलो ना, आप चलो ना चुप करके। अभी आपने पता है क्या करना है, जाके ना भाभी को ना जाके जफ्फी डालो और कहो भाभी भाभी आई लव यू भाभी, ऐसे बोलो उसको, ठीक है उसको बोलो बहुत अच्छी हो, ये हो वो हो, वो जो आपके ऊपर लक्कड़ पड़ी हुई है वो थोड़ी सी चाहिए ऐसे। चलो हमारी रोटी पकाने की भी नहीं है। हाँ अगर वो लक्कड़ नहीं देगी तो उसको बोलो कि आज आपके घर हमारी दावत है, आज हम खाना नहीं बना रहे ना क्योंकि भूख ही नहीं है। क्या बन रहा है देखे तो सही, कुछ भी नहीं बन रहा, बन तो रहा है। दाल है। तो यहाँ पे अभी कैंसिल कर दें सभा, कहाँ जाओगे? मेरे ख्याल में आज कहीं ना खाए। हाँ क्या है जुम्मा? हाँ लिस्ट लगी हुई है जाके देख लो, जुमा तो दाल होती है सबके घर। अच्छा हाँ, जुमरात होते हैं। चलो माइयोदीन भाई के घर साग बन रहा है, क्या ख्याल है फिर? हाँ अच्छा, दुआ सलाम का फिर क्या फायदा जब पकी हुई दाल है। कोई बात क्या हालत की हुई है, इधर पहुँचे हैं कोई हालत नहीं है ना मुखलिस भाई की, ना भाभी की, ना बच्चों की, ना हमें तो देखो यार हम कितने प्यारे लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं लग रहे प्यारे, नहीं लग रहे प्यारे, उनकी मान लो यार, जब आप प्यारे लग रहे होते हो ना मैं आपको बोलता हूँ क्या, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। ठीक है कल आप कितने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह, एक्टिविटी में थे, काम कर रहे थे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। आज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि मैं आपके किचन में गया हूँ। ये दवाई लेके आया है शेरू? हाँ जी, इतनी हैदर अली की। उसको क्या हो गया? उसको उल्टी आ गई है, मैदा खराब है उसको। अच्छा चले चलो सदा, अभी जो है ना चलते हैं, आपको मैं न्यू प्लाट जो है वो विजिट करवाता हूँ। अच्छा। ठीक है उसमें जो जगह बांधी है वो सारी आपको विजिट करवाता हूँ, आप चले चेक करें, कहीं कोई गलती कुताही हो तो वो आपने फिर जरूर बताना है। हाँ फिर से तोड़ लेंगे। हाँ फिर से तोड़ के बनाएंगे ना जब सदा जैसे कहेगी। चलो आ जाओ। हमने भी एक दीवार तुड़वानी है, उन्होंने वैसे लगा दी दीवार, वो जरूरत नहीं थी उधर, तो वो हमने तुड़वानी है, उसमें 2000 सेल लगी हुई है। हाँ। चलो चले हम भी चलते हैं फिर, देखते हैं कहीं से तुड़वानी है तो फिर तुड़वाते हैं। और अल्लाह पाक आप दोनों को सलामत रखे और लंबी उम्र करे और सियात वाली जिंदगी। हाँ बाकी हमारी रोटी नहीं बनानी है। हम उधर ना मैयुद्दीन भाई साग बना रहे ना, आज उसकी दावत खा लेते हैं। ठीक है हाँ, ये माशाल्लाह साहब हमें दावत दे रहे थे लेकिन हमने खुद जो है वो साफ दे रहे हैं, सबके घर खाना अच्छी बात नहीं है, एक भाई के घर खा लेते हैं आज, मैयुद्दीन भाई के घर खा लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल खा लेंगे परसों खा लेंगे। कैसे जी? बिल्कुल। हाँ मुंशी भाई आप जहाँ दिल करे आप खाना खा लेना, ठीक है? अच्छा तो खा दी नहीं आज हम सबके घर में विजिट किया है तो मैयुद्दीन भाई के घर हमें जो है ना दावत है। आप भी जिधर मर्जी खा लो चाहे उधर भी खा लो, टेंशन नहीं है। अच्छा, हम उनको अभी जाके कहेंगे कि हमारे लिए बनाना एक एक रोटी, भूख नहीं है ना तो रखा है। वो वाला दे भाई यार छोड़ो, आज हमने अपने घर में चूल्हा नहीं जलाना, वो यार हमारे घर में चूल्हा नहीं जलाना।
चलो आपने घर का ना बुलाई तो नुकसान नुकसान वही बस जो मैंने कहा है कि नहीं खराब होता, 8-8 दिन फ्रिज में पड़ा रहता है यार। सर्दियों में खराब हो तो बस फिर पता नहीं कहाँ जा रहे भाई। ये धार वे ये अंदर खड़ी कर रहे हैं, इतनी डरा दिया ना। इसलिए ना मैं जब गाड़ी पे सफर करता हूँ ना, कोई आगे जा रहा हूँ मैं हॉर्न नहीं बजाता, वो पागल हो जाते हैं। मैं भी नहीं बजाता। आज डराया है हमारी जिंद निकालना चाहते थे। मुंशी आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, आ जाओ आप ना, मैं आपकी लाइन लगाता हूँ, आ जाओ। मुंशी को बुलाते हैं, जो काम गलत हुआ है ना उससे पूछते हैं फिर मुंशी से, यार आप तो अपने बंदे हो, आपको खड़ा किया है तो आपने ये काम गलत क्यों करवाया, कैसे जी? बिल्कुल ऐसा हाँ। इसकी लाइन लगनी चाहिए, चलो देखते हैं जल्दी से, हसन ना उठ जाए। आ जाओ मुंशी, फ्री हो ना, बनवाए दाढ़ी छाड़ी? मेरे ख्याल में नहीं बनवाई, ऐसे टोरा फेरा लगा के वापस आ गए। फिर कहते हो जी दाढ़ी नहीं बनी, पैसे नहीं थे क्या? पैसे भी थे, टोरा फेरा नहीं लगाने गए थे, मैं इधर जो गया ना मामा मौसम के घर। अच्छा, तो उन्होंने कहा यार मेरी दवाई ले आओ। अच्छा, तो फिर वो दवाई लेके अभी आया हूँ। अभी उस घर से बाहर निकला हाँ। तो आप आ गए, मुंशी भाई इधर आओ, तुम्हारी पेशी है, हम जा रहा हूँ, पेशी भुगतएंगे फिर देखेंगे। सही है, तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखे खोता रेड़ी के पास पहुँच गए हैं। ये है रेड़ी, लेकिन खोता जो है ना वो खड़ा है, बेहतरीन लाजवाब, तरह तरह खोते, टेस्टी बेहतरीन नमकीन खोते हैं ये। ये जी अभी हम प्लाट पे पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे जो है सबा के न्यू हाउस बन रहे हैं, न्यू घर बन रहे हैं माशाल्लाह, न्यू सोसाइटी बन रही है जी। ख्याल से कहीं कपड़े ना गंदे हो जाए सबा। हाँ जी, तो अभी जो है ना जो यहाँ पर गलती हुई है वो गलती हम मुंशी को बताते हैं, इंशाल्लाह कल जो है ना ये गलती आपने दुरुस्त कर देनी है, ठीक हो गया जी? एक ईंट भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कहाँ पर? यहाँ से आपने दीवार तोड़नी है, यहाँ से लेके, ठीक है, ये वाली तोड़ देनी है, सारी सारी ईंटें यहाँ तक। क्यों? ये टोटल यार ये खड़ी है ना, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। एक तो हमारी जगह खुली हो जाएगी, खुली भी हो जाएगी जगह हमारी, उसके बाद दूसरे नंबर पे ना ये ईंटें वैसे भी यहाँ पे भरा डाल जानी है बस। इसको क्यों हम पूरे ऐसे यार, इतनी ईंटों को नुकसान है हमारा, बहुत ज्यादा नुकसान है। ये वैसे गलती नहीं होनी चाहिए थी, क्यों हुई मुंशी? आपने कोई बात नहीं बताई इस दीवार की, मेरी बात सुन। मेरी बात सुन, दीवार की बात क्यों नहीं बताई यार? ये जो दीवार टोटल खड़ी है ना, अगर इस पे काम आता है हम डबल दीवार कभी भी नहीं देंगे हम इनके। ये टोटल दीवार तो खड़ी हुई है ना, ये देखो आपने यहाँ तक जो ये दी है ना ये गलत दी है, ये नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे तो भर्ती डाल जाएगी, ठीक है, उसके अलावा हमारी जगह भी सही हो जाएगी बेहतरीन, कोई मसला नहीं होगा। कल को अगर कुछ करते हैं ना, उस टाइम अगर हम कोई वार देते हैं या कोई ऊपर बनाते हैं तो उस टाइम आपको पता है मिट्टी भी नीचे है, जो भर्ती डालेंगे वो भी पक्की होगी, हमें नीचे नहीं जाना पड़ेगा, उधर ही बंदा वार लगा देता है। आपको समझदार हो आप, ऐसे बात है ना? ये वाले ये लंटर डालना है मेरे ख्याल में हाँ। अच्छा सबा, ये जो है ना ये जो 5 मरले का ये सारा प्लाट है, इसमें जो है ना ये बन रहा है किचन, ये वाला, ठीक है, वो वाला देखो वो है किचन, सॉरी वो तो खोता है, ये हाँ ये किचन हो गया, ठीक है ठीक है। उसके साथ बन रहा है एक पीछे वाला, ओ यार वो तो गड्ढा का पूछड़ है यार, ये साथ वाला कमरा जो, मेरी बात सुनो, ये किचन जो है ना वो दीवार जो है ना वो को ना कम ये वाला खुलाई में क्यों है? टेढ़ा लग रहा है आपको? हाँ, दीवार टेढ़ी लग रही है, तंग है और ये सर खुली है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये तो सुबह मिस्त्री बताएगा, आपको क्या लगता है? कोई मसला नहीं, सही है ना, आपने फार मैच सुबह करेंगे, हम मैच करेंगे, मैच कर लेना हाँ। लेकिन कुछ जो ना जब प्लाट लेते हैं ना, कुछ प्लाट में फर्क होता है ऐसा है, वैसा। अच्छा अच्छा, ना किचन में फर्क है ना कमरों में है। नहीं प्लाट में कैसे फर्क होगा, प्लाट तो ऐसे सीधा जा रहा है, ऐसे भी सीधा पूरा जा रहा है ना।
ये सुबह ना पैमाइश लाजमी करवानी है, वो वाली भी और ये वाली भी, ताकि पता चले कि यार काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबा ने माशाल्लाह बहुत बड़ी गलती पकड़ी है जी, लेकिन सुबह पैमाइश के बाद पता चलेगा सबा सच्ची थी या ये वाले सच्चे हैं। नहीं वैसे आप देखने में ऐसे लग रहा है वो जगह जो है ना तंग है और ये जगह जो है ना ये ज्यादा खुली लग रही है। अच्छा चलो ठीक हो गया। अच्छा ये वाला किचन है और ये वाला फिर कमरा है, वो वाला भी कमरा है, इनके आगे पवेगा बरामदा, ठीक है, वो उनका वॉशरूम है, साथ में नलका आएगा, उसके बाद जो है ना फिर टोटल सहन के अंदर ना हम वो लगा देंगे पक्की, कोई पक्का फर्श डाल देंगे, पक्के वाला फर्श डाल। हाँ ये सारे जो कमरे हैं मुकम्मल सारे कमरे टोटल दीवारें हर चीज हमारी टेप हो जाएगी, मतलब के प्लास्टर हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद ये 5 मरले का प्लाट ये हो गया, उसके बाद 2 मरले के प्लाट वो, यार वो तो 2 खोते खड़े हैं। अच्छा सॉरी वो वही यार वो क्या कर दिया उसने, चलो छोड़ो। अच्छा इधर आ जाओ, अभी जो है अभी इधर आ गए हैं जी, ये आ गया। फिर ये जो दीवार देख रही हो ना ये वाली, यहाँ पे ये जो है ना ये गली होगी, ठीक है, जो ये 5 मरले का प्लाट है इसकी गली वहां से शुरू हो रही है, वहां पे लगेगा गेट और उधर से बंदे आएंगे अपना अलहदा इस घर में घुस जाएंगे, ठीक हो गया। 5 मरले का लट, हाँ मेन गेट वहाँ पे, जैसे मिसाल है आपने देखे होंगे कि लोग जो है ना वो अपने यहाँ पे बाइक खड़ी कर दे, यहाँ पे कोई रेड़ी वेड़ी वाले होते हैं, कोई जो चीज़ें हैं यहाँ गली में अपनी खड़ी करके ना उधर से वो अपना ताला लगा देंगे, सही हो गया ना। हाँ उसके बाद बचेगा ये वाला एक कमरा ये बन रहा है खुला डुला बेहतरीन, उसके बाद ये वाली जो जगह बची हुई है यहाँ पे भी एक कमरा बनेगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना यहाँ पे किचन बनेगा, हाँ या उधर साथ बनाने की, उधर शायद बना ले अटैच, ठीक है, उधर भी बन सकता है। इसका दरवाजा इधर आ जाएगा इस जगह पे, इसका दरवाजा इधर आ जाएगा, ये दोनों दरवाजे आ जाएंगे इन दोनों के इकट्ठे, इधर अटैच किचन हो जाएगा, क्या ख्याल है। इधर किचन आ जाए, फिर इधर बैठक आ जाए, फिर इधर नलका वॉशरूम आ जाए, इधर बैठक इधर किचन आ जाएगा ना दोनों, ये दोनों ऐसे तरतीब में आ जाएंगे और साथ में वॉशरूम आ जाएगा, वो उधर भी अटैच होगा इसके साथ भी अटैच होगा, इधर फिर नलका आ जाएगा, इधर मेन गेट लग जाएगा, दोनों मेन गेट इस साइड पे आ जाएंगे। मेरी बात सुनो, हाँ और ये जो ईंटें खड़ी है ना ये जो दाड़े बने हुए हैं यहाँ पे आए बरामदा, ठीक है, और उस कोने में वो छोटा सा ओपन वाला, इतना वाला बरामदा हम नहीं बनाएंगे यार, छोटा बरामदे बनाएंगे बस, इतना बड़ा बरामदा क्या करोगे। एक चार पाई पूरी आ जाए ना, वो बारिश इस साइड की है तो ये 2-4 पाइयों का है ये जो, बल्कि हाँ 2-4 पाइयों का है ये, ऐसे ना मुंशी ये जो दाड़ा खड़ी है इसमें 2-4 पाइया आ जाएंगी ना अंदर, फिर 17 फुट 11 फिट, हाँ तो 4-5 फुट की होती है 4 पाई, हाँ तो 2-4 पाइयों की जगह है ना, 1-4 पाई की जगह हमने उसमें जो है ना वो करना। अच्छा, है एक बात तो सुनो, ये हो गया ये वहाँ उस कोने में वो ओपन किचन, अच्छा और इस कोने में इधर तो मेन गेट आएगा ना, हाँ इधर से छोटे से बैठक बना दो। अच्छा फिर उस घर की बैठक कहाँ है, किस घर की, उस घर की बैठक नहीं है, उस घर का बस उधर सिर्फ और बरामदा और इधर बस नलका लगेगा बस, इसकी बैठक है उसकी नहीं है, हाँ वो बाद में देखेंगे फिर। सही है जैसे भी है माशाल्लाह, बस अल्लाह पाक जो है ना कामयाब करे और ये जो है ना मुकम्मल बन जाए। बाद मुंशी काल जैसे आए ना मिस्त्री साहब को कहना कि वो वाली दीवार ना खत्म कर दे बस, ठीक हो गया। हाँ ईंटें भी खराब ना हुआ, क्योंकि ये जो घर बना हुआ है ना ये कभी नहीं तोड़ने वाले, कभी भी नहीं तोड़ने वाले, तो ये वाली दीवार जब उनका ये दिया हुआ है तो हम और दीवार अपनी क्यों दें भाई, ये गलत है अपनी ईंटें खराब करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ वो बन रहा है ना किचन, मैं आपको बताता हूँ वो जो साइड में बन रहा है किचन, अगर उधर इनकी जगह उधर तक भी होती किचन तक तो हमें अपने किचन की अलहदा दीवार देनी पड़ती, ठीक है,
जब हम उधर बनाना ही कुछ नहीं है तो फिर क्या करेंगे? कल को अगर हम बनाएंगे तो ऊपर भरा के ऊपर ऐरे लगा लेंगे, बस भरा भी तो पक जाएगी, फर्श डल जाएगा, हर चीज मजबूत हो जाएगी ना। हाँ ये बात है, हम ईंटें बचाना यार, ये 5-6 हजार का नुकसान है ना, वो बच जाएगा। हाँ चले जी, तो प्यारे बहन भाइयों आप सबको 10 मरले का ये हमारा प्लाट, 5-5 मरले में 2 जगह जो है वो बन रही है। तो अभी भाइयों दिन भाई अजान दे रहे हैं जी, तो अब जो है इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज। الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك.